गुड मॉर्निंग, आई एम तबरेज़ अख्तर। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 14.5। क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है किसी लाइन के बीच से या किसी भी फिगर के बीच से हमको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ती है। वो लाइन बिल्कुल बीच से होके जाना चाहिए ताकि वो जो फिगर है उसको वो लाइन दो टुकड़ों में डिवाइड कर सके या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। यही होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे एक 7.3 की लाइन लेना है, इसमें मान लीजिए ये मैंने खींच ली, उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से जाएगी? इस लाइन के बिल्कुल बीच से जाएगी, ठीक है, तभी वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। तो इसके बीच से एक लाइन खींचनी है तो वो कैसे करेंगे हम, ये हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे 7.3 की, जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है। उसके बाद आप अपना राउंडर उठाएंगे। राउंडर वही कहलाता है जिसमें एक तरफ पिन होती है यानी सुई लगी होती है और एक तरफ पेंसिल लगाते हैं हम, ठीक है। तो सुई वाला हिस्सा इस पॉइंट पे रख के हम अपना राउंडर खोलेंगे। कितना खोलेंगे? अपनी मर्जी से खोलेंगे, थोड़ा आधा से ज़्यादा, इस लाइन के आधा से ज़्यादा हम खोल लेंगे। खोलने के बाद ये वाला हमारा पेंसिल वाला हिस्सा है। अब इस पेंसिल वाले हिस्से से ऊपर की तरफ एक आर्क बनाएंगे, ठीक है, और नीचे की तरफ भी एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार फिर इस राउंडर को अब यहाँ से हटा करके किस हिस्से पर रखेंगे? इसको यहाँ से हटा के अब दूसरे एंड पे रखेंगे, ठीक है, दूसरे एंड पे रखेंगे यानी यहाँ पे नोक रखेंगे और जितना हमने खोला हुआ था उतना खुला हुआ रहेगा। और फिर से ये पेंसिल वाला हिस्सा है तो इस पेंसिल वाले हिस्से से ऊपर एक कट लगेगा और नीचे एक कट लगेगा। इसी तरीके से तो ऊपर हमें एक क्रॉस मिलेगा, नीचे हमें एक क्रॉस मिलेगा। अब इन दोनों क्रॉस को हमें जोड़ देना है, ठीक है, इन दोनों क्रॉस को हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा कि जैसे ही क्रॉस हम जोड़ेंगे, ये दोनों को हम बिल्कुल मिला लेंगे, तो ये जो लाइन बनी, ये जो लाइन खींची हमने बीच से, ये लाइन बिल्कुल बीच से जा रही है यानी ए बी को डिवाइड कर रही है इक्वली, इसीलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बनाने का तरीका आपने सीख लिया। राउंडर को जो खोलना है वो अपनी मर्जी से खोलना है और आधे से ज़्यादा खोलना है, है ना, जो भी फिगर बना हुआ है उसका आधे से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें परपेंडिकुलर बाईसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर बाईसेक्टर भी वही होता है जैसे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। 9.5 की लाइन खींचने के बाद परपेंडिकुलर बाईसेक्टर खींचना है। तो बाईसेक्टर मतलब भी यही होता है कि किसी चीज़ को दो टुकड़ों में डिवाइड करने वाला बाईसेक्टर कहलाता है। तो 9.5 की लाइन खींचने के बाद, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो लाइन खींचने के बाद आप राउंडर को आधे से ज़्यादा खोलेंगे और इस हिस्से पे रख के, मतलब निडल इस हिस्से पे रख के एक आर्क ऊपर लगाएं, एक नीचे लगाएं, फिर उसके बाद निडल इस हिस्से पे रख के एक ऊपर लगाएं, एक नीचे लगाएं। इस तरीके से आप एक लाइन खींच लेंगे तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर बाईसेक्टर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3।
टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाई सेक्टर ड्रॉन, एग्जामाइन वेदर पी एक्स इक्वल टू पी वाई. ठीक है, इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, वट कैन यू से अबाउट द लेंथ एम एक्स एंड एक्स वाई. ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर खींचना है एक लाइन का जिसकी लेंथ है 10.3. ठीक है, अब इसमें भी हमें वही करना है, बाई सेक्टर खींचने के लिए राउंडर को आधे से ज़्यादा खोलना है, दोनों तरफ आर्क काटना है, एक एंड पे रख के फिर दूसरे एंड पे रख के भी दोनों तरफ आर्क काटना है, तो हमको क्रॉस मिल जाएगा ऊपर और नीचे. अब उस क्रॉस को जोड़ देना है तो हमें बाई सेक्टर मिल जाएगा. अब उसके बाद ए में कह रहा है, इसी क्वेश्चन में ए कह रहा है कि जो इसका पॉइंट है यानी बाई सेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट है यानी ये वाला, इसको पी ले लीजिए. पी लेने के बाद आप ये बताइए कि पी एक्स और पी वाई क्या इक्वल है या नहीं है, क्या है. तो जब हमने ये बीच में पॉइंट पी लिया तो हमने जब मेज़र करके देखा तो पी एक्स इक्वल टू पी वाई हो रहा है. ठीक है, तो वी कैन चेक दैट पी एक्स इक्वल टू पी वाई. तो इसका आंसर होगा हाँ, पी एक्स इक्वल टू पी वाई है. उसके बाद कह रहा है मिड पॉइंट लीजिए, 10.3 का मिड पॉइंट यानी बिल्कुल बीच में एक पॉइंट लीजिए M, और अब बताइए कि एम एक्स और एम वाई के बारे में क्या कहना है आपका. तो अगर हम ले रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, देन एम एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1/2 xy. तो एम एक्स इक्वल टू जो होगा, बोल रहा है एम एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो एम एक्स इक्वल टू जो होगा, एम एक्स जो है वो बिल्कुल आधा होगा इस लाइन का. ये लाइन कौन सी है, एक्स वाई लाइन है, तो एक्स वाई लाइन का आधा है कौन है, एम एक्स. तो एम एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई अपॉन टू या 1/2 xy. बात वही है. ठीक है, समझ आ गई. अब आते हैं नेक्स्ट पेज में. क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 12.8 यूजिंग कंपासेस, डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वेरीफाई बाय इक्वल मेजरमेंट. ठीक है, इसको चार बराबर हिस्सों में बांटना है, एक लाइन लेना है 12.8 सेंटीमीटर की. तो सबसे पहले एक लाइन ले लिया 12.8 सेंटीमीटर की, रूलर से आप ले सकते हो 12.8 नाप सकते हो. उसके बाद सबसे पहले क्या करो कि ये ए है और ये बी है, तो सबसे पहले यहाँ पे राउंडर रखो, राउंडर की नोक रखो और राउंडर को आधे से ज़्यादा, इस लाइन के आधे से ज़्यादा खोलो, यानी लगभग यहाँ तक खोलो राउंडर को, लगभग यहाँ तक खोल लो ऐसे. ठीक है, खोलने के बाद क्या करना है कि कट लगाओ, एक ऊपर कट लगाओ एक नीचे, इसी तरीके से फिर यहाँ पर रखो और फिर यहाँ कट लगाओ, यहाँ कट लगाओ, ऐसे कट लगाओगे तो जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल बीच की लाइन. ए बी की बीच की लाइन आ गई हमें, यानी बाई सेक्टर मिल गया. अब उसके बाद क्या करो कि इसका आधा हिस्सा भूल जाओ, आधा हिस्सा यानी अब हमको सिर्फ इतनी लाइन के ऊपर काम करना है. कितने लाइन के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक. तो अब उसमें क्या करें कि हम फिर से राउंडर खोलें, राउंडर अब की बार कितना खोलना है, आधा से ज़्यादा. इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका आधा से ज़्यादा बल यहाँ तक होगा. ठीक है, तो यहाँ तक खोल लो. यहाँ तक खोलने के बाद क्या करो, अब कट लगाओ यहाँ पे और यहाँ पे, फिर यहाँ रखो पॉइंट यानी निडिल, है ना, और यहाँ निडिल रखने के बाद फिर यहाँ से पेंसिल से एक कट यहाँ लगेगा और यहाँ कट लगेगा राउंडर से, फिर ये लाइन जुड़ जाएगी. इसी तरीके से अब यहाँ से यहाँ तक की लाइन की बारी आती है, इस लाइन में क्या करना है, फिर यहाँ पे आप निडिल रखो, आधा से ज़्यादा खोलो यानी यहाँ तक खोलो, उसके बाद दोनों तरफ कट लगाओ ऐसे और ऐसे, और फिर उसके बाद यहाँ निडिल रखो यहाँ पे, यहाँ रखने के बाद फिर कट लगाओ ऊपर नीचे और इन दोनों को जोड़ लो. तो हम ऐसा करने से क्या हो गया कि ये जो ए बी लाइन है उसको हमने चार पार्ट में, चार इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया. पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, चार भागों में मैंने तोड़ दिया. और उन चार भागों के नाम, चार जो फोर पार्ट्स हैं उसके नाम क्या हुआ, एक ए डी हो गया लाइन, और एक डी सी हो गया, और एक सी ई हो गया, और एक ई बी हो गया. इस तरीके से मैंने चार टुकड़ों में इस लाइन को बांट दिया. ठीक है, समझ गए. और उसकी मेज़र जो होगी
चारों पार्ट की 3.2 होगी, हर एक पार्ट की 3.2 होगी, ठीक है। अब विद पी क्यू ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एस डायमीटर ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, देखिए ये सर्कल ड्रॉ करना है इस टाइप का। पी क्यू लेंथ है 6.1, तो पहले पी क्यू खींच लो। पी क्यू खींचने के बाद क्या करो, इसका मुझे मिडिल पॉइंट चाहिए, तभी तो मैं सर्कल बना सकता हूँ, क्योंकि ये डायमीटर दिया हुआ है 6.1 का, तो डायमीटर से हम सर्कल नहीं बना सकते, हमें सर्कल बनाने के लिए रेडियस चाहिए होती है। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का आधा होती है, तो डायमीटर को आधा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर बाईसेक्टर खींचना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाईसेक्टर खींचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि फिर से राउंडर को आधा से ज़्यादा खोलूँगा, दोनों तरफ कट लगाऊँगा, फिर यहाँ रख के दोनों तरफ कट लगाऊँगा, तो बाईसेक्टर खींच जाएगा, यानी ये मुझे सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो रेडियस होगी, और इसी रेडियस को आप राउंडर खोल के इसी रेडियस के बराबर आप ऐसे गोल सा सर्कल बना सकते हैं, और ऐसे सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब ड्रॉ अ सर्कल सेंटर सी एंड रेडियस 3.4, ड्रॉ एनी कॉर्ड ए बी एंड कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाईसेक्टर एंड एग्जामाइन इफ इट इज़ पास थ्रू सी, ठीक है। अब क्या करना है, ये कह रहा है कि एक सर्कल बनाओ और उसके बाद उसमें एक कॉर्ड खींचो, उस कॉर्ड को फिर उस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाईसेक्टर खींचो, और उसके बाद बताओ कि क्या ये जो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर खींचा हुआ है वो सर्कल के सेंटर से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए सबसे पहले क्या करो, सर्कल बनाओ, कॉर्ड ले लो, कोई भी कॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या होती है, उसके दोनों बाउंड्री को जोड़ने वाली जो लेंथ होती है वो कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। एक कॉर्ड ले लिया इस तरीके से। अब इस कॉर्ड का बाईसेक्टर खींचने के लिए क्या करेंगे भाई, एक एंड पे राउंडर रखेंगे, तो एक तरफ यहाँ कट लगाएंगे, यहाँ कट लगाएंगे, दूसरे एंड पे राउंडर रखेंगे, ऐसे कट लगाएंगे, ऐसे कट लगाएंगे, और ये आपकी बाईसेक्टर खींचेगी। अब ये बाईसेक्टर को ऐसे सीधी लेते जाओ, ठीक है, सीधे लेते जाओगे तो यहाँ आप जो आपको सेंटर है सर्कल का, आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटर है, और ये जो बाईसेक्टर है वो सेंटर से होके ही जा रहा है। इसका मतलब हाँ ये सही है कि जो बाईसेक्टर होगा कॉर्ड का वो सेंटर से होके ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का, और उसकी दो कॉर्ड ड्रॉ करनी है और उनके बाईसेक्टर खींचने हैं। बाईसेक्टर खींचने के बाद उनकी बाईसेक्टर कहाँ मीट करते हैं आप बताइए। तो इस तरीके से आपका जो डायग्राम है वो बनने वाला है, ठीक है। अब इसमें किया क्या गया है, दो कॉर्ड ले लिया, एक कॉर्ड ये ले लिया, एक कॉर्ड ये ले लिया सर्कल का। अब इन कॉर्ड की जब बाईसेक्टर खींचा तो ये बाईसेक्टर तो सेंटर से होके जाता है, इसका भी सेंटर से होके जाएगा, इसका भी सेंटर से ही होके जाएगा, ठीक है, बाईसेक्टर, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो ये दोनों बाईसेक्टर कहाँ मीट करते हैं, दोनों बाईसेक्टर जो है सेंटर में ही मीट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि एक एंगल ड्रॉ करना है, इसकी वर्टेक्स ओ होनी चाहिए, उसके बाद टेक पॉइंट ए ऑन वन ऑफ इट्स आर्म एंड बी ऑन अदर आर्म, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, और लेट द मीट एट पी, पी और इज पी ए इक्वल टू पी बी, क्या पी ए पी बी के बराबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले कोई एंगल बनाओ, मान लीजिए ये एंगल बना लिया, एंगल का जो वर्टेक्स है ओ होना चाहिए, यानी जहाँ ये जो मीटिंग पॉइंट है ये ओ होगा, ठीक है।
ओ होगा। ये यहाँ पे ओ लेना है, उसके बाद क्या करना है, एक पॉइंट पी लेना है यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे नीचे ए लेना है, ठीक है। एक पॉइंट बी लेना है, एक पॉइंट ए लेना है, समझ गए बात। फिर से बताऊँ, इस तरीके से आपने एक वो खींचा एंगल, यहाँ ओ, ये ओ आएगा इसका पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट लेना है अपनी मर्ज़ी से, बी लेना है जो क्वेश्चन में दिया है, बी ले लो, और नीचे की तरफ ए ले लो, ठीक है। और ओ, ओ बी और ओ ए जो है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा लेना, ठीक है। उसके बाद ओ बी का बाइसेक्टर खींचो। ओ बी का बाइसेक्टर खींचने के लिए पहले यहाँ पे राउंडर रखोगे, ऊपर एक कट लगाओगे, नीचे एक कट लगाओगे, और फिर यहाँ पे राउंडर रखोगे, फिर ऊपर कट लगाओगे, नीचे कट लगाओगे, तो ये हो गया ओ बी का। और इस तरीके से ओ ए का भी एक बाइसेक्टर खींचोगे, तो इस तरीके से ओ ए का बाइसेक्टर खींच जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से खींच जाएगा। थोड़ा बड़ा बनाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर इसका खींचेगा, ये बाइसेक्टर इसका खींचेगा, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये दोनों बाइसेक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की नीचे वाली लेंथ, क्या ये बराबर है, यही चीज़ हमको बताना है। तो हाँ, ये दोनों लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर वी चेक दैट पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए पी बी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ गए कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो का है 14.6, ठीक है। 14.6 में क्या कह रहा है कि पी ओ क्यू एक एंगल है 75 डिग्री का, एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालिए, ठीक है। तो आपको एक 75 डिग्री का एंगल बनाना है प्रोटेक्टर से, ये बना लिया, उसके बाद इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए 14.6 थोड़ा सा इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, ज़्यादा इजी समझ में आएगा। और आपको क्या करना है, इसमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है, उसका बाइसेक्टर करना है, या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री निकालना है। बाइसेक्टर लाइन ऑफ सिमेट्री एक जैसी हो सकती है, ठीक है। तो 75 डिग्री का एंगल आपको प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है, आपको विद द हेल्प ऑफ राउंडर बनाना है। इसीलिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक लाइन खींचिए पी क्यू, मान लो ये मैंने लाइन खींच ली पी क्यू। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको इस तरफ निडल रखना है राउंडर की, और अपनी मर्ज़ी से राउंडर थोड़ा खोलना है। खोलने के बाद ऐसे आपका एक सर्कल बन जाएगा, अपनी मर्ज़ी से एक सर्कल इस तरीके से बनाना है, पूरा नहीं पर इतना सर्कल बना लीजिए, ठीक है। सर्कल बना लीजिए, जितना आपने सर्कल खोला हुआ था उसको खुले रहने देना है, और यहाँ पे निडल रख के, यहाँ पे राउंडर की निडल रख के यहाँ पे एक कटना मारना है, पहले से आपका खुला हुआ है, ठीक है। राउंडर जितना खुला हुआ है उतना खुला रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे निडल रखना है और फिर यहाँ कट मारना है। तो इस तरीके से दो कट मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे निडल रखना है और एक ऊपर कट मारना है, यहाँ पे निडल रखना है फिर ऊपर कट मारना है, इस तरीके से आपको ये एक क्रॉस पॉइंट मिल जाएगा। ये तो क्यू वाले लाइन को क्रॉस पॉइंट से मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और ये जो ये वाला आर्क है, इस वाले आर्क से अगर ये पॉइंट जोड़ दें तो ये 120 डिग्री का एंगल कहलाता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, ये हमेशा आपको काम आएगा, 120 डिग्री आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ बता दी, तो पहले आपको 90 बनाना है। 90 बनाने के बाद क्या करना है,
कि ये आपने 90 बना लिया कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये बना लिया, ठीक है, इस तरीके से 90 बन गया। अब आपको निडिल जो है, निडिल कहाँ रखनी है, अब आपको निडिल यहाँ रखनी है, यहाँ, ठीक है, यहाँ रखनी है। और आपको जो आर्क है वो तो यहाँ कहीं काटना है, ठीक है, फिर यहाँ निडल रखनी है और फिर आर्क यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की एक लाइन बन जाएगी जो कि आप ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। तो अब आपको क्या मिल गया, ये 75 डिग्री का एंगल मिल गया, ये हो गया 75 डिग्री का एंगल, ठीक है, पता चल गया, चलो ठीक है। अब उसके बाद इस 75 डिग्री को भी हमें आधा काटना है, तो 75 डिग्री को आधा काटना है, तो ये आपका जो सर्कल था ऑलरेडी बना हुआ था, सर्कल के इस पॉइंट पे निडल रखना है और एक आर्क काटना है ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे निडल रखना है और एक आर्क यहाँ कहीं काटना है, ठीक है। जो राउंडर की जो ओपनिंग है वो अपनी मर्जी से ले सकते हो, है ना, थोड़ी सी ज़्यादा लेना है, यानी जितना ये सर्कल है ये इतना यहाँ से यहाँ तक का है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा लोगे तो ऊपर पे आर्क कट जाएगा, और इस आर्क को जोड़ दोगे तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, 75 डिग्री की लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, ठीक है। इस तरीके से आपका एंगल बनाते हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 147 डिग्री का एंगल लेना है और लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, या फिर बाइसेक्टर खींचना है। तो सबसे पहले 147 का प्रोटेक्टर से बना लो, 147 का प्रोटेक्टर से बना लो एंगल। उसके बाद अपनी मर्जी से यहाँ पे निडिल रख के एक सर्कल खींचो, ऐसे आधा सर्कल इस तरीके का खींचेगा। अब इस सर्कल के इस पॉइंट पे निडिल रखो, ऊपर काटो, फिर इस पॉइंट पे निडिल रखो, फिर यहाँ ऊपर काटो, तो क्रॉस मिलेगा, इस क्रॉस को जोड़ दो, यही होता है बाईसेक्टर, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है, बाईसेक्टर खींचना है, तो राइट एंगल और बाईसेक्टर, तो राइट एंगल बनाना अभी बताया, बाईसेक्टर भी बताया, बिल्कुल वैसा ही है, 90 डिग्री पहले क्वेश्चन में बताया कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि 153 डिग्री का एंगल बनाना है और इसको चार इक्वल पार्ट में बना काटना है। तो सबसे पहले 153 डिग्री का एंगल बना लोगे, जो कि आप चाहो तो प्रोटेक्टर से बना सकते हो, ठीक है, 153। उसके बाद इसका बाईसेक्टर खींचना है, बाईसेक्टर खींचने के लिए ऐसे इतना आधा सर्कल बनाओ, फिर इधर पे निडल रखो, यहाँ काटो, इधर पे निडल रखो, यहाँ काटो, तो ये हो गई बीच से बाईसेक्टर। उसके बाद अब यहाँ पे निडल रखो, यहाँ काटो, यहाँ पे निडल रखो, यहाँ काटो, ये एक लाइनिंग बाईसेक्टर। फिर उसके बाद यहाँ निडल रखो, यहाँ काटो, यहाँ निडल रखो, यहाँ काटो, तो ये एक और बाईसेक्टर। इस तरीके से हमने एक एंगल को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 में, इतने सारे एंगल बनाने हैं और मेजर करने हैं, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है, यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाना है जो कि पहले नंबर पे बताया था, क्वेश्चन पे बताया था। फिर उसके बाद यहाँ पे निडिल रख के यहाँ कहीं आर्क काटना है, और इस आर्क को अगर हम जोड़ देते हैं तो यही 60 डिग्री होता है, और एक आर्क जो यहाँ कटी थी यहाँ पे, अगर उस आर्क को जोड़ते हैं तो ये पूरा 120 डिग्री कहला जाता है। तो 120 डिग्री, 60 डिग्री बना लिया। अब 30 डिग्री कैसे बनाना है, 30 डिग्री बनाने के लिए 60 डिग्री बनाओ पहले, ये एक सर्कल बनाओ अपनी मर्जी से यहाँ पे निडिल रख के, उसके बाद जितना आपने ओपनिंग की थी राउंडर की उतनी ही ओपनिंग से एक कट लगाओ, और इस कट को इस पॉइंट से जोड़ दोगे तो ये 60 डिग्री बनेगा। अब 60 डिग्री का भी आधा कर दोगे, यानी बाईसेक्टर खींच दोगे, तो 30 बन जाएगा। बाईसेक्टर खींचने के लिए यहाँ निडल रखो, यहाँ कट मारो, यहाँ निडल रखो, यहाँ कट मारो, तो ये बाईसेक्टर खींच गया, तो यानी अब हमें 30 डिग्री मिल गया, ये वाला है जो 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री बना लिया। 90 डिग्री बनाना आता है, 120 डिग्री बता दिया था, जो दूसरा आर्क रहता है सर्कल का वो पूरा 120 डिग्री ही रहता है, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री बनाओ, 90 को आधा कर दो, यानी उसका बाईसेक्टर खींच लो। 135 बनाना है, तो 135 में क्या करो, 90 डिग्री बनाओ,
ठीक है, 90 डिग्री बनाओ सर्कल से, सर्कल के थ्रू, ठीक है, आर्क काटो, यहाँ आर्क काटो, फिर उसके बाद यहाँ आर्क करो, यहाँ आर्क काटो, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद यहाँ थोड़ी लाइन इसको बढ़ा लो, बढ़ाने के बाद ये जो सर्कल है थोड़ा पूरा कर लो, पूरा करने के बाद क्या करो, इस पीछे वाले सर्कल को, पीछे वाले सर्कल का एक बाइसेक्टर खींच लो, इस तरीके से पीछे वाले सर्कल का बाइसेक्टर खींचा तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से पूरा यहाँ तक का 135 डिग्री मिल जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से 135 बनाएंगे और 45 डिग्री का एंगल बनाना है और उसको बाइसेक करना है। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले 90 बनाना पड़ेगा, 90 बनाने के लिए आपको सर्कल बनाते हैं, फिर यहाँ आर्क काटते हैं, यहाँ आर्क काटते हैं, यहाँ काटते हैं, यहाँ काटते हैं, 90 बन जाता है। फिर 90 को भी आधा करोगे तो 45 बन जाएगा। तो 90 को आधा करने के लिए निडिल यहाँ रखो, यहाँ आर्क काटो, निडिल यहाँ रखो, यहाँ आर्क काटो और इसको जोड़ दो, तो ये हो गया आपका 45, ये वाला, ठीक है। अब ये 45 बोला है तो 45 को बाइसेक्ट करना है, 45 का भी आधा करना है, तो यहाँ निडिल रखो, यहाँ आर्क काटो, यहाँ निडिल रखो, यहाँ आर्क काटो, तो और इसको जोड़ दोगे तो ये 45 को भी मैंने बाइसेक्ट कर दिया, यानी आधा कर दिया, ठीक है। ये होगी प्रोसेस आपकी। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ एन एंगल मेजर 135 एंड बाइसेक्ट इट। 135 को आपको बाइसेक्ट करना है, तो 135 बनाने के लिए अभी पीछे बताया था, ठीक है। अब 135 जो बन जाएगा, एक बार ऐसा बन जाएगा, उसको बाइसेक्ट करने का तरीका बहुत इजी है भाई। बाइसेक्ट करने का तरीका क्या है, एक अपने मर्जी से सर्कल खींच लो, इतना ऐसे सर्कल बना लो, ठीक है, राउंडर से ही बनाओगे ना, फिर यहाँ निडल रख के यहाँ आर्क काटोगे, यहाँ निडल रख के यहाँ आर्क काटोगे और इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा बाइसेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन 9, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो 40 डिग्री बनाना है एंगल और उसका सप्लीमेंट्री बनाना है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री यानी देखो, जैसे ये एंगल है कोई, ये एंगल कोई है, ठीक है, मान लो ये एंगल है 30 डिग्री, तो इसके पीछे वाला जो एंगल है, ये वाली लाइन अगर हम बढ़ा देंगे तो इसके जो पीछे वाला एंगल जो कहलाएगा वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो ये 30 है तो सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे कि 180 माइनस 30, हमेशा 180 से ही माइनस करेंगे जो भी एंगल आपको दिया हुआ है। तो 180 माइनस 30 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5, 150। तो 150 जो होगा वो यहाँ पे आएगा और ये 150 डिग्री ही सप्लीमेंट्री एंगल है, किसका, 30 डिग्री का, ठीक है। तो 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री कैसे होगा, 40 डिग्री बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसके जो पीछे वाला एंगल जो है, पीछे वाला जो एंगल है वो क्या होगा, वो होगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस ये कितना होगा, 180 माइनस 40 अगर करते हो आप तो क्या हो जाएगा, 140 ही होगा जो वो इसका सप्लीमेंट्री होगा एंगल, ठीक है, वही होगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस टाइप के हमको क्वेश्चन आंसर करने को मिले यहाँ पे, समझ आई बात। और जितने क्वेश्चन मैंने कराए उतने आप कंप्लीट कीजिए कॉपी में, ठीक है, यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कॉपी में कंप्लीट कीजिए, फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।